हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा और फिर इस वीडियो को क्लिक किया। क्यों? या तो आप इसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो ढूंढ रहे थे, या फिर आपको इस वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज़ द पॉइंट। थंबनेल अच्छा होने से आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, ज़्यादा क्लिक्स मतलब आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज़ मतलब आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मतलब आपका चैनल ग्रो करेगा। लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम आती है, थंबनेल्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपल तो होते हैं लेकिन इतने फीचर्स के साथ आते हैं कि आप उन्हें कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स के साथ मैच कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में आप सबको ऐसे ही 3 ऐप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने थंबनेल्स बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहला ऐप है, वो है कैनवा। जो भी ऐप्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो iOS और एंड्रॉइड पर आसानी से चलते हैं। तो इस ऐप की खासियत यह है कि सबसे पहले तो ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके प्रो वर्जन भी आपको मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर्स इसमें आपको फ्री देखने मिल जाते हैं। इसकी सेकेंड खासियत यह है कि ना सिर्फ आप इसमें अपने थंबनेल्स एडिट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस, लोगोस, स्टिकर्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एडिट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। थर्ड फीचर ये है कि इसमें आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स देखने मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आप थंबनेल्स उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का टेम्पलेट स्क्रैच से बना सकते हैं। तो कुछ ये थे कैनवा के फीचर्स, और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि एकदम सिंपल टू यूज़ है। अगर आप पहली बार भी इस पर जाते हैं तो आप अच्छी खासी एडिटिंग भी अपने थंबनेल की कर सकते हैं। तो सेकेंड ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है पिक्सल लैब। इस ऐप की खासियत यही कि इसमें आपको बहुत सारे मैनुअल कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि 3D टेक्स्ट, 3D रोटेशन, आप पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैनवा जितने आपको इसमें टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स देखने नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे हैं जो अपने थंबनेल्स में ज़्यादा एलिमेंट्स और बैकग्राउंड इमेजेस और बहुत सारे शेप्स यूज़ करते हैं तो आप कैनवा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अपना थंबनेल सिंपल रहे लेकिन आप उसमें बहुत सारे 3D एलिमेंट्स डालना चाहते हैं और आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए अपने थंबनेल को एडिट करने के लिए, तो आप पिक्सल लैब को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 3 ऐप्स बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं आपको 2 ऐप्स बता चुका हूं, कैनवा और पिक्सल लैब, ये दो ही इतने पावरफुल और केपेबल इनफ है कि आपको तीसरे ऐप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप इन 2 ऐप्स की मदद के ज़रिए से ही अच्छे खासे थंबनेल्स बना सकते हैं। आप जिस तरह का भी चाहते हैं उस तरह का आप बना सकते हैं। मतलब कैनवा में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, जैसे कि 3D रोटेशन, और आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव के ऑप्शंस नहीं मिलते, और वैसे ही पिक्सल लैब में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और टेम्पलेट्स नहीं मिलते। तो अगर आप ऐसा टेम्पलेट बनाना चाहते हैं जिसमें आपको 3D रोटेशन और पर्सपेक्टिव का भी काम है और आपको बहुत सारे एलिमेंट्स भी है, तो आप इन 2 ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका काम आसानी से हो सकता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और जैसे मैंने कहा था ये 2 ऐप्स ही आपका काम कर देंगे, और इसी के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको क्लियरली बता दूंगा कि आप इन 2 ऐप्स के जरिए से ही कितने अच्छे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।